जाने अजान जी में व्याप्यो को बुसरी। जनान ये अंग भंग कलिंग अवंत सौराष्ट्र ये पुष्प लक्ष पुष्कर साल साल मरी जम्बुवादी दीपों से समागम लक्ष लक्ष निर्भानों के लक्ष समवर्ग एकत्रित होने का हेतु क्या है? ये राजा गण यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है इसका? ये हमें शीघ्रता से अवगत कराओ, शीघ्रता से अवगत कराओ। ओ समाचार कही जनक सुनाये, जेहि कारण मही बसबवा। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और उन सभी कारणों में ही मेरी पुत्री सीता एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उसे स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधज को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे जाप खंड महिडारे। क्या परमात्मा पार्वती का पूजनीय पात्र भगवान शंकर का परम प्रिय आयुध अजगो, ब्रह्मर्षि दधीच का स्थिर स्मारक, आर्यावर्त का गोरो, भैया गणेश का प्रिय धनुष अजगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी अस्थियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरा दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। जनक के वंश में तो इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्थान का, तिरस्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्थान का। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम, मिथिला में अपना अजगो कैसे है? तुम्हें क्या कहूंगा प्यारे पिनाक, क्या कहूंगा, क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? ओम कुछ कहे न गए प्यारे पिनाक, मैं फूट फूट कर क्या रूं, ये बिखर गई हैं जो लड़ियां, इनको मैं कैसे हाय फिरूं। अजगो तुमने जाना होगा, धनुखंडन हार मनस्वी को अजगो तुमने देखा होगा, उस नर के हरि यशस्वी को। बोलो मेरे प्यारे पिनाक, तुम हुए धरा शाही कैसे, तुम पर रक्षित था सुरमंडल, आन है विनशाई कैसे? आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने हाँ क्यों नहीं मुझको पुकारा? आज भारत भूमि पर, आज भारत भूमि पर नई राष्ट्रतम है छा गया, आर्यमानो वक्ष पर है हा कौन वज्र चला गया। आशा कमलिनी पर
तुषारा पात क्यों धाया गया, राम ज्योति हृदय में क्यों यह प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फुफक कर, आज मानवता फुफक कर, रो पड़ी बन बे सहारा, टूटने के पूर्व तुमने हा क्यों नहीं मुझको पुकारा। प्यारे पिना आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, हाँ और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, हाँ पर हंसता मधुमाश नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, रे मित्र तुम्हारे ना रहने की, इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम केवल कहने को थे, सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा, लेने को बदला मैं लूंगा, यह शक्ति न कोई रोक सकेगी, अंतर मन में यह ज्वाला हाँ रह रह करके ही दहकेगी। वैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक, महान शोक, महान शोक। ओ अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष के तो, अरे धनुष को तोड़वा करके मौन खड़े हो गए हो, अरे सीरा ताज धनुष की फटंत बेग दिखा मोड़, बेग दिखा, बेग दिखा व मोड़न तैयार, उल्टो मही जा रहे तब शीघ्रता से धनुष संघार को मेरे समक्ष उपस्थित करो जनक, अन्यथा आज इस तेरे राज्य का विनाश, विनाश और केवल विनाश। ओ अति डरे उतरे ते चंद्र बनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि, सभे बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। जगत वंदनी क्षमा के स्वरूप पृथ्वी की तरह धैर्य धारण करने वाले, सूर्य की तरह प्रतिभा रखने वाले, हे प्रभु शिव के पावन आयुध को दो खंडों में परिवर्तित करने वाला आपके श्री चरणों का कोई दास होगा। प्रभु नाथ शंभु, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होइए क्यों एक दास तुम्हारा, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया
वो दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कभी किसी से डर सकता है जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है आयसु काह कहिए किन मोही बार बार बिन बहुमुनि तोही मेरे लिए आपका क्या आदेश है राम तुम रश्मि शैली का प्रयोग कर रहे हो तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई ही क्यों एक दास तुम्हारा हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा राम तुमने विचार नहीं किया भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला और फिर मेरा दास कैसे हो सकता है सबके प्रिय सेवक समिति मोरे अधिक दास पर प्रीति अरे धनुष तोड़ने वाला मेरा दास क्या वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि सेवक सो सेवक सो जो करे सबकाई अरे करने कर करिए राम सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अपि अगम्य सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए गम्य हुआ करता है यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन करता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है अस्त सुनो राम सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बहु समसोर काकुत्स कुलभूषण पुरुषोत्तम राम राघव भगवान शंकर बिना प्राण मृत्युंजय के परम पुनीत आयुत अजगो का जिस किसी ने भी खंडन किया है वह धनुष तोड़ने वाला सो सहस्त्र भाव अर्जुन के समान मेरा शत्रु है उसके समान मेरा रिपु है और उसके लिए मेरा निर्देश भी है सो हो सो बिन गाव बिहाय समाजा नत मारे जय है सब धनुष तोड़ने वाला इस राज समाज से पृथक हो जाए या ये राज समाज ही धनुष तोड़ने वाले को पृथक कर दे और यदि ऐसा न हुआ तो आज ये समस्त राजागण मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे ये मेरा उद्घोष है सुन मुनि वचन लखन मुस्काने बोले परसु धरे अपमान सुना आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो जय शिवधनु तोरा साहस बाहु सम सो रिप मोरा सो विलगाव बिहाई समाजा और नत मारे जई हैं सब राजा सारे राजा मारे जाएंगे पर कब धनुष तोड़ने वाला अगर सभा से अलग नहीं हुआ तब दो राजा बहुत ज्यादा दूर हैं अगर आवाज पहुंच रही हो तो मानवेंद्र और हमारे विक्की सिंह जी ये दोनों अपने अपने स्थान पर बैठ जाए कहां गए ये ज्यादा डर गए उसका खंडन किया गया है जय शिव धनु तोरा साहस बाहु सम सो अरे मोरा धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा भैरी है कर्तव्य निष्ठा का पालन करना पड़ेगा
वाला शास्त्र बाहु अर्जुन के समान परशुराम जी का भैरी है। मैं विचार करने लगा, धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का अपराधी, परशुराम जी का भैरी और वहां किस कोट का भैरी? तो कहा सहस्र बाहु समसो अरिप मोरा, सहस्र बाहु अर्जुन के समान अब आप भैरी है। सोचने ये लगा धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु है और वह भी सहस्र बाहु सम सहस्र बाहु अर्जुन के समान कबीरी है। विचार किया मित्र और शत्रु ये कैसे होते हैं, न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपु, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राणि अरिपुस्तता। मित्रता और शत्रुता व्यवहारेण ही जायन्ते, व्यवहार के माध्यम से जन्म होता है। मित्रता का और व्यवहार के माध्यम से ही जन्म होता है शत्रुता। धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया जो कि सहस्र बाहु समसो अरिप मोरा, अब सहस्र बाहु अर्जुन के समान का बैरी हो गया। जबकि सहस्र बाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला ये दोनों बहुत भक्त हैं। धनुष तोड़ने वाला धर्माचारी और सहस्र बाहु अर्जुन दुराचारी। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन किया है। सुन गुरु वचन चरण सिर नाबा, तो हर्ष विषाद न कछ उर। अब धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन, और सिद्धांत कहता है मात पिता प्रभु गुरु की वाणी अभी नहीं विचार करिए शुभ। जान माता पिता प्रभु और गुरु का आदेश हो तो बिना विचारे शुभ जान करके कर लेना चाहिए। उचित की अनुचित किए विचारू तो धर्म जाय सर पातक। उचित और अनुचित अगर विचार भी किया जाता है तो धर्म चला जाता है, पाप लगने लगता है। धनुष तोड़ने वाले ने उचित और अनुचित का विचार न करते हुए धनुष का खंडन कर दिया। अब परशुराम जी के लिए वह अपराधी हो गया। जबकि उसने सदाचार का पालन किया और समानता किससे दी जा रही है जिसने दुराचार किया। सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु के राज मद दीन कलंक। सहस्र बाहु अर्जुन कलंकी और धनुष तोड़ने वाला यशस्वी। एक और यश है मई पाताल नाक यश व्यापा आप परी यशी भंजू चापा। धनुष तोड़ने वाला यशस्वी है और सहस्र बाहु अर्जुन कलंकी है। एक और यश है दूसरी ओर कलंक है। एक और धर्म है दूसरी ओर अधर्म है। एक ओर न्याय है और दूसरी ओर अन्याय है। और कह दिया जाए कि ये दोनों बराबर है तो जैसे दिन और रात भी बराबर नहीं हो सकते, धर्म और अधर्म बराबर नहीं हो सकते, न्याय और अन्याय बराबर नहीं हो सकते, उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला और सहस्र बाहु अर्जुन समान नहीं हो सकते। क्योंकि परशुराम जी ने कहा है तो कहने का एक मूल उद्देश्य होगा। समानता दी है तो एक पैमाना होगा, एक एक मापदंड होगा। उस मापदंड के अनुसार परशुराम जी के द्वारा ऐसी घोषणा की गई। पंडित प्रणाम और स्वामी जी सब बढ़िया बढ़िया लग नहीं रहा पर हम सिखा रहे करें ये बढ़िया। बड़ा भारी क्रोध। क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है? हमें लग रहा है कि क्रोध के मूल में कुछ नहीं, क्रोध का कारण भी कुछ नहीं है। लेकिन ना
वैदिक सिद्धांत कहता है पहले कारण और तब फिर कार्य। कारण न बिना काजम न कदाचन विदते, बिना कारण के कभी कोई कार्य। कारण कार्य गुणारम्भते, पहले कारण है और तब फिर कार्य है। कारण श्रेष्ठ है, कार्य बिना कारण के नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण है? धनुष का टूटना। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तब बहुधन भी तोरी लड़काई तब तब बहुना अस रिस कील वो साई। आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया तो क्या ये धन पर ममता? और अगर ममता है, ममत्व है तो क्या है? उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? आदरणीय पूज्यपाद प्रातः स्मरणी स्तुत्य वरेण्य बाबा जी व्यक्त करें यही धन पर ममता। और देखिए यहाँ से प्रथम प्रस्तुति लक्ष्मण जी के द्वारा प्रस्तुत की गई और बड़ा ही तार्किक संवाद आप लोगों को देखने को और सुनने को मिलेगा। और ऐसी दिव्य मूर्तियों के दर्शन भी बड़े भाग्य से होते हैं। संवाद भी जो है बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को सुनने के लिए। बहुत लोग दूर दराज से आए हुए हैं और जो लोग अभी तक नहीं भी आए हैं वो लोग अतिशीघ्र आने की कृपा करें। और समित का सहयोग, जैसा कि हम रात भर से यही कहते चले आए हैं कि समित की ऐसे स्थान पर इतना बड़ा आयोजन हो, इतना बड़ा आयोजन, और इसके बाद आप लोगों का क्या उत्तरदायित्व? जैसे इन्होंने अपनी भूमिका का पालन, उसी प्रकार आप भी अपनी अपनी भूमिका का पालन करें। जैसे इन्होंने परिचय अपना दिया है, आप लोग अपना परिचय दें, अपनी सहभागिता। देखिए कभी कभी अधिकार है और अधिकार का पालन केवल प्राप्त करने के लिए नहीं, देने के लिए भी अधिकार का पालन। तब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कर्तव्य का पालन करें। और रही बात चिंता की, आप तो जानते हो चिंता की कोई बड़ी बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। और आशा भी यही करते हैं कि धनराशि जो भी शेष है आप लोगों की तो आप लोग पहुंचा देंगे। और बड़ी प्रसन्नता के साथ और बड़े मधुर निवेदन के साथ ये निवेदन निवेदित है आप लोगों के लिए। और उसमें कुछ सहयोग राशि राम आश्रय निषाद बरुआ 101 पुष्प मुद्राएं, 101 राम सहारे निषाद बरुआ 101 पुष्प मुद्राएं, 101 पुष्प मुद्राएं सिद्धू मिस्त्री बरुआ, 101 पुष्प मुद्राएं राम बहादुर मिस्त्री बरुआ, और 210 पुष्प मुद्राएं वासुदेव निषाद टेंट हाउस बरुआ, और 501 पुष्प मुद्राएं राम कुमार निषाद सुजान इनके द्वारा भी प्रदत्त है। भाई समित की ओर से बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी महाराज कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। सहस बाहु सम सो रिप मोरा, सहस्त्रा बाहु के समान हमारा शत्रु है। तो लक्ष्मण ने कहा कि शत्रु और मित्र संसार में कैसे बनते हैं? तो लक्ष्मण ने एक सूत्र दिया कि न कश्चित कश्चित मित्रम न कश्चित कश्चित रिपुः, व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण रिपुवस्तथा। संसार में कोई किसी का मित्र नहीं है, संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं है। शत्रु और मित्र कैसे बनते हैं? तो कहा व्यवहारेण ही जायन्ते मित्राण रिपुवस्तथा। संसार में शत्रु और मित्र व्यवहार से बनते हैं। बिल्कुल सही बात, व्यवहार से बनते हैं। लेकिन एक बात इसमें और जुड़ेगी, वो मैं अपनी मत के अनुसार जोड़ रहा हूं। व्यवहार और व्यवहार के साथ जुड़ता है संबंध। बिना संबंध के व्यवहार पर ही मित्रता और शत्रुता हो जाए ये न्याय नहीं हो सकता है। जैसे कोई आपके प्रति अनुचित व्यवहार न करे लेकिन आपके पिता के प्रति अनुचित व्यवहार करे तो उसका व्यवहार तो आपके पिता के प्रति है, आपके प्रति उसने व्यवहार नहीं किया, आपके पिता के प्रति उसने अनुचित व्यवहार किया लेकिन शत्रु आपने भी उसे माना।
जैसे इसी से जुड़ता हुआ मैं एक साक्ष्य भी प्रस्तुत कर रहा हूं। सर्पों ने गरुण के साथ कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। सर्प का व्यवहार गरुण के साथ अनुचित नहीं था, बल्कि सर्पों की माता कद्रु का व्यवहार गरुण की माता विनिता के साथ अनुचित था। सर्पों की माता है कद्रु और गरुण की माता है विनिता, दोनों महात्मा कश्यप की पत्नियां हैं। एक बार दोनों में सर्प लग गई। विनिता कहती थी कि सूर्य के घोड़ों का रंग श्वेत है और कद्रु कहती थी सूर्य के घोड़ों का रंग श्याम है। जब सर्प लग गई तो कद्रु ने कहा कि अगर मेरी बात सत्य हुई तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। विनिता को अपने सत्य पर अटल विश्वास था कि सूर्य के घोड़ों का रंग श्वेत ही है, साथ जो घोड़े जुते हैं भगवान सूर्य के रथ में उनका वर्ण श्वेत ही है। तो विनिता ने कहा कि मुझे स्वीकार। कद्रु ने विनिता के साथ छल किया। क्या किया? अपने पुत्र नागों को बुलाया, सर्पों को बुलाया और आदेश दे दिया, कहा कि जाओ सूर्य के घोड़ों में लिपट करके उनका जो वर्ण श्वेत है उन्हें काला कर दो। सर्प लिपट गए, वर्ण काला हो गया। न्याय हुआ तो न्याय में कद्रु ने विनिता को दुख दिया। मानस में चरण आया है द्वितीय सोपान का, कद्रु विनतहि दीन दुख। कद्रु ने विनता को दासी बना लिया, दुख दिया। ये बात जब गरुण को पता चली तो गरुण को बड़ा क्रोध हुआ। किस पर? सर्पों पर और सर्पों की माता कद्रु पर कि इन्होंने छल पूर्वक मेरी माता को अपनी दासी बना लिया। तब से गरुण सर्प से शत्रुता करने लगे। जहां भी गरुण सर्प को देखता है अपना ग्रास बना लेता है, शत्रुता हो गई। तो धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम के प्रति कोई व्यवहार अनुचित नहीं किया, हमारे प्रति क्या व्यवहार करेगा वो? धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम के प्रति कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया, बल्कि धनुष तोड़ने वाले ने परशुराम के गुरुदेव भगवान शंकर का धनुष तोड़ा है और उस धनुष का खंडन किया है जिस धनुष से परशुराम ने शंकर जी के द्वारा धनुर्विद्या को प्राप्त किया था। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणः तदा तस्मै मया दत्तं धनुषो त्रिपुर दाहकम्। इसलिए धनुष तोड़ने वाला हमारा शत्रु है। एक प्रयोग कहता है कि हमारे शत्रु का जो मित्र होता है वो भी हमारा शत्रु होता है, और हमारे मित्र का जो शत्रु होता है वो भी हमारा शत्रु होता है। हमारे मित्र का जो शत्रु है वो भी मेरा शत्रु है। धनुष हमारे मित्र जैसा है, हमारा हमारे बंधु जैसा है, हमारा संबंधी है, और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति शत्रुता का व्यवहार किया है। तो जब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के प्रति शत्रुता का व्यवहार किया है तो फिर हम धनुष तोड़ने वाले को अपना मित्र कैसे मान लें? हम धनुष तोड़ने वाले को स्वीकार कैसे कर लें? हम धनुष तोड़ने वाले को सहज हृदय वाला कैसे मान ले? इसलिए मैंने कहा सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सोरिप गोरा। यही कारण है धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान कहना, सहस बाहु सम सोरिप मोरा। तो संबंध भी आधार है। जैसे हमने लक्ष्मण को तो कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण को हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण मेरा शत्रु है, हमने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण मारा जाएगा, हमने ये नहीं कहा कि लक्ष्मण ने धनुष तोड़ा है,
लेकिन फिर भी लक्ष्मण का विरोध परशुराम के प्रति है, तो ये परशुराम के व्यवहार पर तो निर्भर करता ही है, लेकिन व्यवहार के साथ साथ लक्ष्मण और धनुष तोड़ने वाले के संबंध को भी निरूपित करता है कि हो न हो लक्ष्मण का कोई न कोई संबंध धनुष तोड़ने वाले से है। इसीलिए सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरई अपमान। तुमने कहा कि हमने लड़काई में तो बहुत धनुइयां तोड़ी, परशुराम जी ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। हाँ, इसलिए नहीं किया क्योंकि लड़काई में तोड़ी। यहां लड़काई शब्द क्रीड़ावाचक है, क्रीड़ावाचक खेल, खेल में क्रीड़ा माने खेल कौतुक, तो लड़काई शब्द क्रीड़ा के अर्थों में है। जब क्रीड़ा के अर्थों में है तो सिद्धांत कहता है कि छोटा बालक यदि धूल को उठाकर अपने सिर पर भी डाल रहा है तो वो अपराध का कृत्य नहीं हो सकता। जो लड़का कछ अचगरी करही तो गुरु पितु मात मोद मन भरही। इसलिए विरोध नहीं है, क्रोध नहीं है। हमारे अपनत्व को तुम ममता की दृष्टि से देख रहे हो, इसीलिए प्रश्न कर रहे हो। यही धन पर ममता की हेतु, तो इस धनुष के प्रति हमारा जो अपनत्व है वो ममता के रूप में नहीं बल्कि वो श्रद्धा के रूप में है, समर्पण के रूप में है। इसलिए धनुष तोड़ने वाले के प्रति मेरा विरोध है। अस्तु रेण नृप बालक कालवश बोलत तो ही सभार और धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। और देखिए बड़ा ही तार्किक संवाद कहा कि ये यथार्थ है कि व्यवहार से ही शत्रु और मित्र होते हैं, लेकिन कह दिया जाए कि केवल व्यवहार से होते हैं तो संबंध की वरीयता है, संबंध का मूल्य है। देखिए महाराज, संबंध का मूल्य है, लेकिन अगर व्यवहार समीचीन नहीं है तो बड़ा से बड़ा संबंध भी समाप्त हो जाएगा। बड़ा से बड़ा संबंध, बड़ा से बड़ा संबंध भी विरोध में परिवर्तित हो जाएगा। प्रिय संबंध अविरोधी संबंध के रूप में हो जाएगा, जैसे माता और पुत्र, पिता और पुत्र, ये संबंध शायद इससे बड़ा कोई संबंध नहीं, नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि संबंधों को जन्म देने वाली ही माँ है, और माता कभी कुमाता नहीं होती, माता कभी कुमाता नहीं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन कह दिया जाए कि माता कुमाता है तो माता कुमाता नहीं है। लेकिन अगर माता और पिता के द्वारा पुत्र के प्रति समीचीन व्यवहार नहीं किया गया तो व्यवहार उस संबंध सुरक्षित नहीं रहेगा। समीचीन व्यवहार प्रतिपक्ष से माने दोनों पक्ष से संबंध सुरक्षित तब रहेंगे जब व्यवहार अनुकूल हो, और अगर व्यवहार अनुकूल नहीं है तो संबंध सुरक्षित नहीं रहेंगे। जैसे माता शत्रु पिता बैरी, एक बालोन पाठता माता शत्रु हो जाए और पिता बैरी हो जाए। कौन? एक बालोन पाठता, जो माता और पिता पुत्र को संस्कार और शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं वो फिर माता और पिता कहलाने योग्य नहीं, 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 नहीं। माता और पिता कहलाने योग्य नहीं है, और अगर कहता भी है तो भी संबंध उचित नहीं। माता और पिता पुत्र के प्रति तब तक संबंध सुरक्षित रहेंगे जब तक उपयुक्त व्यवहार का आदान प्रदान होगा, और अगर उपयुक्त व्यवहार का आदान प्रदान नहीं होगा तो संबंध सुरक्षित नहीं। शिष्य और गुरु, सिद्धांत कहता है गुरुदेव की बात शिष्य माने
और अभी मैंने एक उदाहरण भी दिया था, प्रमाण दिया था कि अगर माता अगर गुरु की बात शिष्य नहीं मानता है तो अपराधी है, लेकिन अगर गुरुदेव के द्वारा आदेश गड़बड़ दे दिया गया फिर शिष्य नहीं मानता तो उचित है। गुरुदेव के द्वारा आदेश दिया गया है, अब उचित आदेश हो तो मानिए, पर अगर उचित आदेश नहीं है तब भी मानिए, नहीं मानना तब नहीं मानना है, और अगर माना तो राजा बलि को अपराध लगना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान की आज्ञा को खंडित किया, पिता का आदेश प्रहलाद ने खंडित किया, और फिर भी भगत शिरोमणि भी प्रहलाद, क्यों? क्योंकि व्यवहार जहां समीचीन नहीं है, व्यवहार जहां उपयुक्त नहीं है, वहां संबंध भी सुरक्षित नहीं है। अपने कहा कि वो संबंध के कारण शत्रु और मित्र होते हैं। गुरुदेव भगवान के प्रति, गुरुदेव भगवान के आयुध के प्रति किया गया अपराध शत्रुता को प्रेरित करता है। विचार करिए, अगर संबंध से भी है, अगर धनुष तोड़ने वाले ने शत्रुता का संबंध भी बनाया है तो क्यों बनाया है? क्योंकि यथार्थ का दर्शन कराने के लिए धनुष तोड़ने वाले ने ये संबंध बनाया है। धनुष टूटा तो क्या केवल धनुष टूटा? धनुष के साथ और भी कुछ टूटा, क्या टूटा? सब कर संशय और अज्ञानु मन महीपन कर अभिमानु सिय कर सोच जनक पछतावा रानिन कर तारुण दुख दावा। तो धनुष तोड़ने वाले ने अगर सत्य का दर्शन कराने के लिए सब कर संशय, किसी का संशय चला जाए, किसी का संशय चला जाए तो यथार्थ भाव में आएगा, और अज्ञानु किसी की अज्ञानता दूर हो जाए तो सत्ता का दर्शन होगा, किसी का अभिमान दूर हो जाए तो भी सत्ता का दर्शन होगा, किसी का कष्ट दूर हो जाए, किसी का कष्ट दूर हो जाए धर्म की रक्षा हो। और धनुष तोड़ने वाले ने जो संबंध बनाया है वो सत्ता के दर्शन के लिए, यथार्थ दर्शन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और जो धर्म की रक्षा के लिए कार्य करे वो परशुराम जी का शत्रु हो जाए, ये ठीक नहीं। जो धर्म की रक्षा कर रहा है, धर्म का अनुपालन कर रहा है, अब वो परशुराम जी का शत्रु संबंध के कारण हो जाए तो ये ठीक नहीं। परशुराम जी ने कहा जो शब्द ममता के रूप में दे रहे हो ये शब्द श्रद्धा के रूप में है। परशुराम जी को धनुष के प्रति श्रद्धा है, धनुष के प्रति परशुराम जी को श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी का शत्रु है, अपराधी है, क्योंकि परशुराम जी को श्रद्धा है। केवल परशुराम जी को श्रद्धा है या प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा? धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ा, और जब धनुष को तोड़ा तो प्रभु तो चाप खंड महिकारे देख लोग सब भय सुखारे, सब सुखी हो गए, लेकिन परशुराम जी सुखी दृश्यवई दृश्य एक है लेकिन दृष्टिकोण अलग अलग है। परशुराम जी का दृष्टिकोण अलग है और लोगों का दृष्टिकोण अलग है। लोगों ने देखा तो देख लोग सब भय सुखारे, और परशुराम जी ने देखा देखे चाप खंड महिकारे तो ये सब सुखारे, तो परशुराम जी श्रद्धा है, प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा है, और भगवान शंकर के प्रति अपराध
पर श्रमजी ने कहा गुरुदेव भगवान के प्रति अपराध धनुष तोड़ने वाले ने किया, तो जो व्यक्ति भगवान शंकर के प्रति अपराध करे और शंकर के प्रति अपराध करने वाले व्यक्ति से संसार के लोग अपराधी कार्य से संसार के लोग प्रसन्न हो और संसार के लोग साधारण लोग हो चलेगा। अगर साधारण लोग प्रसन्न है चलेगा, लेकिन साधारण प्रसन्न नहीं, ब्रह्मादि सुर सिद्ध मुनीषा प्रभु प्रशंसा दे असीसा, प्रसन्नता भी हो सकती है लेकिन समर्थन नहीं होगा। एक बार समर्थन भी हो जाए, एक बार समर्थन भी हो जाए तो प्रशंसा भगवान शंकर का जो विरोध करेगा तो अकाट सत्य है चलत मार अस हृदय विचारा शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा ध्रुव मरण अटल अकाट। अगर भगवान शंकर का विरोध कोई करे और फिर भी धरती में जिंदा रहे, ये बात ठीक, भगवान शंकर का अपराधी धरती पर सुरक्षित नहीं रह सकता है और धनुष तोड़ने वाला प्रशंसा का पात्र, यश का पात्र, प्रसन्न करने वाला महापुरुष की गोद में आ रहा है और परशुराम जी का शत्रु, ये बात ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही है। व्याख्यान बहुत ज्यादा लंबा ना हो इसलिए अपनी बारी चलिए। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी संबंध भी व्यवहार के द्वारा ही संचालित होते हैं, तो मैंने कहा कैसे, तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि माता और पुत्र का संबंध है और माता और पुत्र के संबंध में जो माता अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देती तो शिक्षा न देने के कारण माता अपने पुत्र की शत्रु बन जाती है। इन्होंने एक नीति का श्लोक भी पढ़ा, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता। अब देखिए जरा इसमें भी व्यवहार तो है ही संबंध भी निकल रहा है। श्लोक का पहला शब्द है माता, माता शत्रु, व्यवहार से संबंध अलग नहीं है। वो वहां ये नहीं कहा जाएगा कि एक स्त्री सब बच्चों को शिक्षा दे, ना, जो स्त्री अपने पुत्र को शिक्षा नहीं देती, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता, अपने पुत्र को, तो ये अपना ही तो संबंध के अंतर्गत है। इसीलिए मैंने कहा था कि शत्रुता और मित्रता में संबंध ही मूल में है। जैसे एक प्रमाण और ले लें इसी से जुड़ता हुआ, मैंने कहा कि अगर एक सामान्य सी घटना का प्रमाण मैं आपको दूं, संसार में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, रोज होती हैं, घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन उन घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं, लेकिन क्या आपको उन लोगों के मरने में कष्ट होता है? नहीं होता है। लेकिन उसी दुर्घटना में अगर कोई आपका संबंधी सम्मिलित है तो आपको कष्ट अधिक होगा। किसी दूसरे के मरने पर, दूसरे की मृत्यु पर हम उतने कष्टित नहीं होते, हम कष्टित नहीं होते, लेकिन अपना यदि कोई मर जाता है तो हमें कष्ट, क्यों? संबंध के कारण ही तो होता है। अगर अच्छा एक बात और ध्यान देना, मैंने प्रमाण भी दिया था, अगर हमारे पिताजी को कोई मार दे, व्यवहार उसने मेरे प्रति नहीं किया, मेरे पिता के प्रति किया है, तो वो हमारा विरोधी हो गया। गालियां प्रजापति दक्ष ने नंदी जी को नहीं दी थी,
प्रजापति दक्ष ने गालियां शंकर जी को दी थी कि ये बंदर जैसी आंखों वाला भिकमंगा बैठा है, सदैव नंगा रहता है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, और इस बंदर जैसे नेत्रों वाले को मैंने अपनी मृग लोचनी कन्या दे दी, सती जैसी पुत्री का विवाह कर दिया। ये असभ्य है और यहाँ सभ्य समाज लगी है, इसको बैठने का अधिकार नहीं है। ये सब शिव जी के प्रति दक्ष के थे, नंदी के प्रति नहीं थे, लेकिन क्रोध शंकर जी को नहीं आया, नंदी बाबा को आया। उठकर खड़े हो गए और प्रजापति दक्ष को शाप दे डाला कि जिस मुख से तुम बड़बड़ा रहे हो ना, ये तुम्हारा मुख समाप्त हो जाए और भविष्य में तुम्हारे धड़ पर बकरे का मुख लगे। शापित कर दिया। तो व्यवहार सीधा नहीं है, व्यवहार तो शिव जी के प्रति है असभ्यता का, लेकिन शाप नंदी बाबा ने दे डाला संबंध के कारण। तो कहीं न कहीं शत्रुता और मित्रता में केवल व्यवहार नहीं बल्कि संबंध भी जुड़ता है। अगर संबंध को हम हटा देंगे तो हमारा व्यवहार न्यून हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे तुमने कहा कि व्यवहार ही प्रधान है, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं कि उसको नकार दिया जाए कि व्यवहार नहीं है, व्यवहार तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विरोधाभास में अपनत्व कारण बनता है। अपनत्व अगर हमारे प्रति हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे प्रति नहीं है तो कोई परमात्मा का अवतार होता है, भैया भगवान को कौन दैत्य गाली देते हैं, बताओ राक्षस निशाचर इतना अत्याचार कर रहे हैं, भगवान के ऊपर थोड़ी अत्याचार हो रहा है, न भगवान को जलाया जा रहा है, न भगवान को मारा जा रहा है, न भगवान को काटा जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा, परमात्मा का कुछ नहीं है। लेकिन परमात्मा के जो प्रिय भक्त हैं, उन भक्तों को ये निशाचर कष्ट देते हैं। रावण क्या करता है, देवताओं का विरोधी है, लेकिन वो करता क्या है, करता है द्विज भोजन मख होम सराधा, और तिनके जाई करो तुम बाधा। अगर देवताओं को निर्बल बनाना है तो ब्राह्मणों के यज्ञ को भंग करो, ब्राह्मणों के भोजन को भंग करो। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों के भोजन का संबंध देवताओं की क्षुधा से है। जैसे जैसे ब्राह्मण एक एक कौर खाता है तो तृप्ति तो ब्राह्मण की होती है, लेकिन वो प्रसाद ब्राह्मण के माध्यम से देवताओं को भी मिलता है। ये ब्राह्मणों का और देवताओं का संबंध है। तो रावण क्या करता है, द्विज भोजन मख माने यज्ञ, होम अग्निहोत्र हवन, श्राधा श्राद्ध, तिनके जाई करो तुम बाधा, बाधा उत्पन्न करो, और जब बाधा करोगे तो क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आई, तब मारी हूं कि छाड़ी हूं, रावण कहता है। तो विरोध का आधार भी कहीं न कहीं संबंध है। और मैंने तथ्य दिया भी था वर्तमान का कि लक्ष्मण से मेरा कोई विरोध नहीं है, विरोध तो हमारा धनुष तोड़ने वाले से है, तो भला ये हमारा विरोध क्यों कर रहे हैं, ये हमारा अपमान क्यों कर रहे हैं। तो लक्ष्मण के द्वारा किया गया अपमान भी धनुष तोड़ने वाले के प्रति संबंध को कहीं न कहीं प्रमाणित कर रहा है। तो इसमें ये जुड़ेगा एक बात। दूसरी बात, तुमने कहा कि धनुष को धर्म की रक्षा में तोड़ा गया है, धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा की है, तो धर्म की रक्षा जब धनुष तोड़ने वाले ने की है तो परशुराम जी धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु क्यों कह रहे हैं,
क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा में कार्य किया है। देखिए एक सूत्र होता है, अगर एक सूत्र को आप केवल अपने पक्ष में लगा लेंगे और सामने वाले के पक्ष में नहीं लगाएंगे तो हो सकता है न्याय न मिले। ये सूत्र तुम्हारा है धर्म की रक्षा का, लेकिन इसको आपने अपने पक्ष में लगा लिया, अब इसको जरा हमारे पक्ष में भी तो लगाओ और फिर निर्णय जो मिले उस पर विचार करिए। आपने कहा कि परशुराम जी महाराज धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा की है, आपका वो शब्द कैसे है? ऐसे ही है जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धनुष से शत्रुता की। अब इसको मैं जोड़ रहा हूं, देखिए कैसे जुड़ेगा। जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा में योगदान दिया है, ऐसे ही इस धनुष ने भी इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए ही तो योगदान दिया था। जिस समय त्रिपुरासुरों का आतंक था तो भगवान शंकर के लिए विश्वकर्मा के द्वारा इसी धनुष हरी 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 हाँ तो अब ध्यान देना, जैसे धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा में योगदान किया है, ऐसे ही जब त्रिपुरासुरों का आतंक था तो विश्वकर्मा ने किसी धनुष का निर्माण किया और भगवान शंकर को दिया, भगवान शंकर ने इसी धनुष पर विष्णुमय बाण चढ़ा करके त्रिपुरासुरों का विनाश किया था। तो क्या इसने धर्म की रक्षा में योगदान नहीं दिया? क्या इसके माध्यम से धर्म की रक्षा नहीं हुई? क्या इसकी पूजा नहीं हुई? आज धनुष तोड़ने वाले की आज पूजा हो रही है, धनुष तोड़ने वाले से पहले इस धनुष की पूजा हो चुकी। तो धनुष तोड़ने वाले ने धर्म की रक्षा में योगदान दिया ये आप देख रहे हो, लेकिन धनुष ने जो योगदान दिया है इसको आप नहीं देख रहे। इसको भी तो देखो भाई, धर्म को दोनों पक्षों में लगाओ और जब दोनों पक्षों में लगाओगे तब न्याय होगा। अगर ऐसा नहीं तो फिर धनुष की आरती क्यों, धनुष की पूजा क्यों, धनुष की प्रशंसा क्यों? अरे एक लोक ने नहीं, तुम कहते हो त्रैलोक ने धनुष तोड़ने वाले की पूजा की, मैं तो कहता हूँ त्रैलोक ने धनुष की भी पूजा की, और केवल इसकी नहीं, ये जो मेरे पास है इसकी भी, अजगों की भी और सारंग की। कैसे? तो आचार्य वाल्मीकि कहते हैं निज रामायण में, इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभि पूजते, दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। ये तो त्रैलोक में पूजित थे दोनों। तो जब धनुष तोड़ने वाले ने इनसे शत्रुता कर ली तो क्या हम धनुष तोड़ने वाले से शत्रुता नहीं कर सकते? जैसे योगदान इनका रहा वैसे ही तुम्हारी दृष्टि में योगदान तोड़ने वाले का, तो जब तोड़ने वाला इससे शत्रुता कर सकता है तो क्या हम तोड़ने वाले से शत्रुता नहीं कर सकते? कर सकते, ये हमारा अधिकार तुम न छीनो शत्रुता का। तो जो सूत्र है उसको दोनों पक्षों में लगाया जाए तो हमें लगता है बढ़िया निर्णय मिलेगा, है ना? तो हम यही रुके जा रहे हैं। चलिए आपने कहा कभी किसी भी व्यक्ति की किसी अनायास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और समाचार पत्र में पढ़ा जाए तो कष्ट नहीं होगा, और अगर कोई संबंधी है समाचार पत्रों में पढ़ा जाए उसकी मृत्यु हो गई तो कष्ट होगा। देखिए हमारा संबंध भी नहीं है फिर भी कष्ट होगा, अगर व्यवहार है तो हमारा संबंध नहीं है फिर भी कष्ट है। क्यों? लोग कहते हैं बड़ा गलत हुआ, बड़ा धर्मात्मा व्यक्ति चला गया, हमारे प्रति क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं, व्यक्तिगत हमसे संबंध नहीं है, क्योंकि वो धर्मज्ञ है, उसका जो कार्य है वो धर्म युद्ध है, समाज का सेवक है, समाज सेवी है, समाज का रक्षक है, वो चला गया, कष्ट होगा।
कष्ट होगा, पर अगर व्यवहार को नहीं देखा जाएगा तो कष्ट। अच्छा बड़ा प्रिय व्यक्ति है, बड़ा प्रिय व्यक्ति है, संबंध बड़े प्रिय का है, लेकिन व्यवहार समीचीन नहीं है, अनायास चला जाए तो क्या कहोगे? राम करे भले चला जाए और साल दो साल पहले चला जाए। संबंध है, संबंध उससे है, लेकिन व्यवहार उचित नहीं है। अब व्यवहार उचित नहीं है तो कल क्यों आज ना चले जाए? संबंध जैसे बिछुरत एक प्राण हर ले ही और मिलत एक दुख दारू दे, एक मिलते ही दुख देने लगता है और एक एक बिछड़ने में प्राण ले लेता है, एक मिलते मिलते प्राण बोले प्राण ना ले जान ना खाओ, मिलते मिलते और एक अब यहां संबंध गौड़ हो गया, यहां व्यक्तिगत व्यवहार है। पिता पिता के प्रति पांच पिता है, पांच पुत्र है और पांच पुत्रों में संबंध पुत्र का ही तो होगा। सब पर पिता ही प्रीति सम होई, जबकि एक पिता की विपुल कुमारा होई पृथक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता। लेकिन अगर पिता से पूछा जाए आपका प्रेम कैसा है, अब जहां पंडित ज्ञाता है धनवंत है सूर है दाता है, अब प्रश्न किया जाए कि आपका प्रेम कैसा है तो कहा सब पर पिता ही प्रीति सम बराबर। क्यों? क्योंकि अभी संबंध है, सब पर पिता ही प्रीति सम होई, यहां संबंध है। अब इसी में व्यवहार लगा दीजिए अंतर आ जाएगा, केवल व्यवहार लग जाएगा तो अंतर आ जाएगा। को पितु भगत वचन मन कर्म, कोई पिताजी का भक्त मन वचन कर्म से पिता की सेवा करता है, और जो व्यक्ति मन वचन कर्म से पिताजी की सेवा करता है उसके लिए पूछो ये सुप्रिय प्राण समाना, वो पुत्र पिता को प्राणों की तरह प्रिय है। क्यों प्रिय है? पुत्र तो पांच है, पुत्र सात है, पुत्र तीन है, पुत्र दो है, प्रेम बराबर होना चाहिए क्योंकि संबंध पिता का प्रत्येक पुत्र से है, लेकिन व्यवहार और जहां व्यवहार जुड़ा है वहां वहां उतार चढ़ाव आएगा, जहां व्यवहार लगा है वहां ऊपर और नीचे होगा। कोई प्राणों की तरह प्रिय है और किसी से मतलब नहीं है, यद्यपि वो गड़बड़ थोड़ी है, धनवान है बलवान है ऐश्वर्यशाली है, तब पिता का अविरोध नहीं है चूंकि संबंध है, लेकिन जिसका जैसा व्यवहार है उसके प्रति वैसा समर्पण। भक्त और भगवान परमात्मा प्रत्येक भक्त के लिए, क्योंकि परमात्मा कहते अखिल विश्व या मोर उपाय, यहां क्या यहां संबंध है, सब पर मोर बराबर। अब जहां संबंध है वहां बराबर दाया, लेकिन अगर कह दिया जाए कि सुरक्षित संबंध कब तक है तो जिसके द्वारा जैसा व्यवहार है उसके प्रति वैसा संबंध है निर्णय लिया जाएगा, तो सबते प्रिय मोहि निज कर दासा, मुझे स्वयं का दास ज्यादा प्रिय है, तो क्या बाकी प्रिय नहीं है क्या? सब मम प्रिय सब मम उपचाय, सब प्रिय है लेकिन संबंध जहां कम है जहां व्यवहार कम है वहां संबंध भी न्यून है, और जहां व्यवहार ज्यादा है
वहां संबंध भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार अब आपने रावण का चरित्र दिया और रावण कहता है कि देवताओं को क्षुधाहीन बलहीन सुर सहजे मिली है आज, तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भात अपना। यहां भी व्यवहार है, देवताओं के द्वारा किया गया व्यवहार। और अगर अपराध की बात करें, ब्राह्मणों के साथ जो संबंध बनाया है, ब्राह्मणों को भोजन नहीं मिल रहा है, उसका भी कारण कहीं ना कहीं भोजन है। उसका भी कारण अगर द्विज भोजन बाधा, ब्राह्मण के भोजन पर बाधा है, तो उसका कारण ही कहीं ना कहीं व्यवहार है। और मूल शब्द भोजन में बाधा है तो कारण भी भोजन होगा। दूसरा कारण बोलिए। और देखिए बड़ा ही जो है अच्छा संवाद, या यूं कह दिया जाए ज्ञान वृद्ध संवाद, तार्किक संवाद।